नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में पार्ट ए शिफ्ट वन और शिफ्ट टू जो मॉर्निंग और इवनिंग में कंडक्ट किया गया था उस सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। CSIR नेट लाइफ साइंस नवंबर 2020 के पार्ट ए को शिफ्ट और शिफ्ट वन दोनों के सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम पार्ट बी के सवालों को भी शिफ्ट वन और दो में डिस्कस किए करेंगे, जिसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और पार्ट सी के लिए जो सवाल शिफ्ट वन और शिफ्ट दो में पूछे गए थे उसके बारे में भी हम यहाँ वीडियो बनाएंगे और एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग उस सवाल को देखते हैं। पार्ट ए शिफ्ट वन के सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सवाल पूछा गया था, सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4a प्लस 3b माइनस 10 है, वेयर a एंड b आर टू रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये आपको बताना था, चार ऑप्शन दिए हुए थे, a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a बराबर b। और अगर आप इसको बनाए होंगे तो आप इसके अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर, इसका आंसर ये पॉसिबल होना चाहिए। दूसरा सवाल था, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज नॉट फ्राइडे then which of the following day cannot be the day before the day before yesterday, Sunday, Monday, Tuesday or Wednesday था। इसका ऑप्शन था, चार ऑप्शन था, आप अगर बनाए हैं तो बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। हम भी इसके सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं। Which of the following word can be formed using the following letter of word, ये वर्ड दिया गया है और इसे आपको वर्ड का निर्माण करना है और बताना है। काफ़ी सिंपल सवाल था और कोई भी इसको बना सकता था, थोड़ा सा केयरफुली लुक करना था और आसानी से आप इसको बना सकते थे। अगर आपने बनाया होगा तो आप लिखिए कि हाँ सर, आपका ये आंसर ये होना चाहिए। नहीं भी बनाए हैं फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं ताकि अगली बार के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। चलिए इस सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ये पूछा गया है, ए बॉक्स कंटेन 10 रेड बॉल 12 व्हाइट बॉल, टू बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट द रैंडम वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। तो आपको बताना है कि सेकेंड बॉल इज रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। चार ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी के सवाल दो तीन सवाल आए और कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। तो आप बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। चलिए ये पांचवा नंबर सवाल था, थ्री कंटेनर्स नेमली सिलेंडर स्क्वायर प्रिज्म एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म आर गिवेन, Which of the following conditions will ensure they are have identical volume? तो आपके लिए चार ऑप्शन है, the bases area and height are identical, the bases area are identical, the height are identical, the base area and height are different. तो आप इसको लिख सकते हैं कि क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए। Apple is fully cut vertically through its center 4 times such that the successive cut are spaced at 45 degree in clockwise direction, how many pieces are made? Option A 4, 16, 8, 12. तो आप इसको बता सकते हैं कि क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। Bottle are packed into boxes, 4 bottles are packed into boxes and then 3 boxes are left unused. But if the bottles are packed in the box, then 3 box bottles are left unpacked. द टोटल नंबर ऑफ बॉटल आपको बताना था, चार ऑप्शन थे। अगर आपने बनाया होगा तो आप बताइए कि सर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। द टावर इज 50 मीटर हाइट व्हेन द सन एट एल्टीट्यूड इज 40 डिग्री, द शैलो ऑफ द टावर इज x मीटर शॉर्टर कंपेयर टू द केस व्हेन द एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x आपको निकालना था। चार ऑप्शन थे, एक करेक्ट होगा। अगर आपने बनाया है तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर इसका ऑप्शन ये होगा। ये नए तरह का सवाल है, द ईयर बीपी द कॉन्टेस्ट ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इज डिफाइंड एज, बीपी को डिफाइन किया गया 1500 माइनस ईयर 80, ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हरपेन साइट्स वाज डेटेड 3050 बीसी, इट्स एज इन द ईयर ऑफ बीपी। तो आप इसको इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। अगर आपने बनाया है, काफी सिंपल सवाल था, हम भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में बनाएंगे इसको। Which of the following months in 2021 will have the same calendar
एज दैट इन सितंबर 2020। चार ऑप्शन है, मार्च, अप्रैल, नवंबर, जून। आप बता सकते हैं कि सर हमने ये बनाया है, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच द स्टेट गिवन स्टेट लाइन क्रॉसेस द एक्स लाइन। एक्स एक्सिस को क्रॉस करने के लिए आपका दिया हुआ है कि क्या क्वाड्रेंट 1.2, 1.5, 2.3, 1.7 होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप बता सकते हैं कि कहां पर क्रॉस कर रहा है। अगर आपने बनाए हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। द पर्सन, फाइव पर्सन ए बी सी डी ई फ्रॉम ए क्यू सी एन ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ए पर्सन ए हैज ए पर्सन अहेड ऑफ हिम हैज एटलीस्ट वन पर्सन सेपरेटिंग फ्रॉम हिम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टनली ट्रू। तो आपको टू स्टेटमेंट क्या करना है, चूज करना है। ए डी ए ई नेक्स्ट टू इच अदर, डी ई बी सी नेक्स्ट टू इच अदर। इस तरह के सवाल कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं, और मैंने कल ही एक वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन काफी डिटेल तरीके से बनाया, आप उसको देख सकते हैं, पार्ट ए के लिए था। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ क्वांटिटेटिवली शो द फंक्शन वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये बनाया गया है, और आपको बताना है कि किसको ये फॉलो कर रहा है। अगर आप जानते हैं तो इसको बना सकते हैं, और अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। फोर बेबीज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 रैंडमली सेलेक्टेड। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम विल हैव द सेम डेट ऑफ बर्थ। तो आपको ये बताना है कि सेम डेट ऑफ बर्थ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। कॉर्ड ए बी इन सर्किल सबटेंस एट एंगल 30 डिग्री एट द सरकमफेरेंस। देन द एंगल सबटेंडेड द सरकमफेरेंस बाय द कॉर्ड आफ्टर ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी। और आपको एंगल बताना था, चार ऑप्शन थे। अगर ये सिंपल सवाल है, आप इसको बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ए रेस द विंटर बीट सेकेंड प्लेस बाय 10 मीटर एंड द थर्ड प्लेस बाय 100 मीटर। सेकेंड प्लेस बीट थर्ड प्लेस बाय 91 मीटर। एज्यूमिंग द स्पीड्स ऑफ रनर्स रिमेंस अनचेंज्ड थ्रू आउट द रेस द लेंथ ऑफ द रेस ऑफ ट्रैक वाज। क्या होना चाहिए आपको बताना है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड का सवाल है, काफी सरल है, कंसिस्टेंट इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, आपको जानना चाहिए। अगर आपने बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज भी करता है। स्क्वायर ऑफ साइड टू कंटेन्स टू हाफ सर्कल्स आर शोन फिगर। तो टू हाफ सर्कल्स फिगर में शो किए गए स्क्वायर में। आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर को पता करना है। शेडेड एरिया का रीजन क्या होगा आपको पता करना है। काफी सिंपल सवाल है, आप इसको बना सकते थे। एक सवाल था, द पेयर्ड पर बार द बार चार्ट गिवन बाय पर कैपिटा जीडीपी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री फॉर ईयर 2002 से 2008 तक। दो चीज दिया गया है, जीडीपी पर कैपिटा दिया गया है, साथ साथ पॉपुलेशन इन मिलियंस दिया गया है। दो ग्राफ साथ साथ है। द हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री। आपको बताना है कि कौन से साल में जीडीपी काफी गिरा है किसी कंट्री का, कौन साल में, तो आपको ये बताना है। ये काफी सिंपल सवाल है, मैं इसके सॉल्यूशन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में आ रहा हूं। 1400 मीटर रिवर फ्लो एट 10 किलोमीटर आवर एंड द मैन एट द पॉइंट ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन स्टिल वाटर। He can run a boat at maximum speed of 20 km per hour. Point B exactly opposite A on the other bank. He wants to cross the river in the least possible time. Then how far B will he land on the other bank? तो ये आपको speed, distance, time का सवाल है, और साथ साथ आपको देखना है कि कैसे इसका बनेगा। अगर आपको जानते हैं तो इसको बना सकते हैं, मैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में आ रहा हूँ। अगला सवाल है, साइकिल ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ईच पर्सन इन्फेक्ट थ्री मोर पीपुल। वन थर्ड ऑफ द न्यूली इन्फेक्टेड पर्सन टेक प्रिकॉशन डू नॉट इन्फेक्ट एनी अदर पीपुल्स। नो इन्फेक्टेड पर्सन डाइज और गेट क्योर्ड अंटिल द एंड ऑफ थर्ड साइकिल ऑफ द स्प्रेड। स्टार्टिंग विद द वन इन्फेक्टेड पर्सन द नंबर ऑफ पीपुल न्यूली इन्फेक्टेड इन द थर्ड साइकिल। आपको बताना है, अर्थमेटिक मीन इस तरह का सवाल है, आपको सिस्टमेटिक ड्रा करना पड़ेगा, उसके बाद आप बना सकते थे इसको। इस तरह का सवाल मैंने ऑलरेडी बना के वीडियो पर डाला है, आप देख सकते हैं। अब मैं पार्ट ए के शिफ्ट सेकंड जो इवनिंग टाइम में कंडक्ट किया गया है उस सवाल को हम लोग देखते हैं कि क्या सवाल थे। सवाल था, क्या स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट टू पार्टिकल मूव इन ए सर्किल रेडियस 10 मीटर अपोजिट डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड क्रॉसिंग ईच अदर।
The speed are interchanged, but note the direction. What will be the difference between the arrival time at the starting point? चार ऑप्शन थे, आपको बताने थे कि सर इसका क्या ऑप्शन होगा, आपको बताना है. इन द गिवन फिगर शेडेड एरिया सर्किल रेशियो ऑफ द अनशेडेड एरिया ए और अनशेडेड एरिया इन बी, दोनों को आपको बताना था. काफी सिंपल सवाल था, चार ऑप्शन थे, आप इसको बता सकते थे. द इक्वेशन x स्क्वायर टू के से रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. सर्किल है, स्टेट है, हाइपरबोला, ठीक है, पैराबोला आप लिख सकते हैं. ये विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ, ये रिप्रेजेंटेड किया गया ग्राफ, तो साइन का फंक्शन साइन 2x साइन x और cos x का फंक्शन ये आपको बताना था. विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन अमाउंट द गोल्ड आइडेंटिकल इन द टू कॉइंस, तो आपको बताना है कि प्योर गोल्ड 20% करेट का. ये नया सवाल नहीं, इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए. अगर आपको बनाए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. 24 ग्राम ऑफ द 22 कैरेट, 20 ग्राम ऑफ 24 कैरेट, आप इसको देख सकते हैं. मैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में आ रहा हूँ. द नंबर ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड पर्टिकुलर वायरस फर्स्ट 30 डेज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 30 डेज. सिमिलर तरह का मिलता जुलता सवाल पार्ट फर्स्ट के मॉर्निंग सेशन में भी आया था, तो आप इसको बना सकते थे. अगर जानते हैं कैसे बनाना है, तो इसके चार ऑप्शन थे, आप इसको बनाते हैं तो बताइए कि हमने क्या बनाया है, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री 60 आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल, द एवरेज सैलरी 9000 एंड एवरेज फीमेल एम्प्लॉय 12000, देन द मेल एम्प्लॉय 7000 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉय, तो आपको बताना है कि कितना इसका ऑप्शन होना चाहिए. काफी सिंपल सवाल था, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं अक्सर, और अगर आप इसको जानते हैं तो आसानी से बनाए होंगे. एवरेज का सवाल था, रेक्टेंगल ए बी सी डी इस तरह का दिया गया है और बताया गया कि ए ई एफ एफ बी बराबर है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, ई एफ सी के एरिया को आपको बताना है, ठीक है, और चार ऑप्शन थे, ठीक है. ये देखिए अगले सवाल को देखते हैं. Explorer start from the place equator of the earth and travel 1500 km of the north, 500 km towards the east, 1500 km towards the south or finally 500 km towards the west. Distance और इस तरह का सवाल पहले वाले पार्ट में भी सवाल था, इस बार भी वही सवाल था, इस तरह से मिलता जुलता था, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. Probability के सवाल के बारे में कि A की probability 2/3 है, team की B 2/3, if the team A B प्ले 4 मैचेज अगेंस्ट ईच अदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम ए एटलीस्ट 1 मैच, तो आपको बताना था. बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर हमने बनाया है, तो बना सकते हैं कि ऑप्शन ये होना. अमंग द फैमिली चिल्ड्रन ऑफ फैमिली ईच बॉय हैज मेनी ब्रदर सिस्टर, ईच गर्ल हैज ट्वाइस मेनी सिस्टर, हाउ मेनी गर्ल्स एंड बॉयज आर सिस्टर इन द फैमिली. मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर चुका है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में, तो आप उसको देख सकते हैं. A student obtained marks 4 courses carrying and their proportion respectively, the following tables are given. Grade point के साथ दिया गया है, तो आपको बताना है कि point average point, so what is the grade point of the average of the students, average student का grade point क्या होगा, ठीक है. इसके चार option थे, अगर आपने बनाया है तो आप लिख सकते हैं. Hollow open ended cylinder made 2 sides 100 or 25 centimeter using a metal sheet. Amount of material required to make the larger cylinder, amount of material required for 4 cylinder. तो ये आपको बनाना था, तो आपने बनाया होगा तो बताइए कि क्या होगा कमेंट बॉक्स में. Equilateral triangle APB है, APB है. Constructed one side AB of the square ABCD 1 unit. What is the radius of the circle passing through CPD? CPD के साथ आपको बताना है, चार ऑप्शन है. 1, 2, 3, 3 अंदर रूट 3/2 था. If any the even number the sum of the first n natural number divisible by, यह सवाल काफी सिंपल था, अक्सर इस सवाल पूछे जाते हैं, पहले भी ये सवाल पूछे गए थे, ठीक है. इसका आंसर n एंड n प्लस 1 होगा, ठीक है. चलिए, ये बबल प्लॉट ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन ऑफ ए ट्री ऑफ ए सर्टेन स्पीसीज का दिया गया है. एरिया ऑफ द बबल इन प्रोपोर्शन ऑफ द ट्री हाइट बेस्ड ऑन द प्लॉट, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर आपने बनाया है तो आपको आंसर मालूम है, आपने क्या बनाया है.
साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन नॉर्मल साइज की है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेट ऑफ द पर्सन पिक्ड रैंडम मोर देन 60 kg, रैंडम मोर देन 60 kg. चार ऑप्शन है. क्लॉक टेक्स 7 सेकेंड एंड अनाउंस 7 o'clock बाय चाइमिंग 7 times. हाउ मेनी सेकेंड विल क्लॉक मेक अनाउंस 10 o'clock बाय चाइमिंग 10 times. तो इसको चार ऑप्शन है, 10, 9.5, 10.5 और 11. देर आर सेवरल बोल्डर्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ एबीसी. ईच बोल्डर्स एबीसी वेट 600, 300, 800 kg. ईच बोल्डर ऑफ ए टाइम्स अवेलेबल टू सी एंड ईच बोल्डर बी 3 times अवेलेबल टू सी. विच ऑफ द फ्लोइंग कंबाइंस कैन बी कैरिड यूजिंग द ट्रक 4000 kg कैपेसिटी वुड बी द मोस्ट वैल्यूबल. तो ये आपको बनाना था, चार ऑप्शन थे, अगर आप जानते होंगे तो सही तरीके से बनाए होंगे. आइए एक और, ये डिफरेंट तरह का सवाल था, ठीक है. कि अब ग्राफ दिया गया है, डे लाइट हावर्स वेरिएशन मंथ एट 2 latitude के बारे में बताया गया है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू. तो आपको बताना था कि कौन सा ट्रू. हम इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में, मतलब अगले वीडियो में काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आ रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. और हमारे यहाँ कोई नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं CSR नेट लाइफ साइंस क्लब, नेट लाइफ साइंस के लिए, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा है. आप 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो.